ज माई चीमा वेलम बैक कैप्टल स्मार्ट सिटी दिस वीडियो अबाउट ओवरसीज डिस्ट्रिक टू ओवरसीज डिस्ट्रिक टू के हाले से इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा वो होगा प्रोज एंड कॉन्स और ओवरसीज डिस्ट्रिक टू यानी कि ओवरसीज डिस्ट्रिक टू के फायदे और नुकसान क्योंकि इससे पहले आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे मोस्टली लोग आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडिंग मी सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं ओवरसीज़ टू में प्लॉट लेने का फायदा यानी उसकी लोकेशन का एडवांटेज कि जब एम टू मोटरवे पर इंटरचेंज बनेगा उसके बाद ओवरसीज़ टू की लोकेशन को जो एडवांटेज मिलेगा उसके वाले से वो एडवांटेज प्लस ओवरसीज़ीजीजीज टू के जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में और उसके बाद फिर एंड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरसीज़ टू में कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं क्योंकि लॉन्च जब किए गए हैं वहां पर रेजिडेंशियल भी है कमर्शियल भी है बहुत कुछ है तो कौन से प्रोजेक्ट ऐसी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लेना फिजिबल है एडवांटेज है और कौन सी ऐसी इनको लेना एडवांटेज है बट फॉर अ सर्टन टाइम उसके बाद फिर डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाता है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं जी ओवरसीज डिस्टू टू के प्रो के वाले से कि ओवरसीज डिस्ट टू का फायदा क्या है ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू का प्रो ये है कि ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू एक ब्लॉक है पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो लोकेटेड है एडजस्ट टू एम टू मोटरवे तो जब मोटरवे पे इंटरचेंज बनेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना जिसका एन आ भी चुका है बस आने वाले चंद दिनों में चंद महीनों में से काम शुरू हो जाएगा तो उस इंटरचेंज के बाद ओवरसीज़ टू ब्लॉक है ऐसा ब्लॉक होगा जिसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा हाई डिमांड लोकेशन होगी क्यों क्योंकि ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू की लोकेशन जो है वो बिल्कुल मोटरवे के बिल्कुल ऊपर है इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है एडजस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली लोगों का एक ज़्यादा कंसर्न होता है कि यार एक्सेस ब्लॉक की और प्लॉट की एक्सेस आसान हो तो एक्सेस का एडवांटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज टू ब्लॉक को मिलेगा आने वाले दिनों में उसके बाद जी ओवरसीज टू ब्लॉक में जो दूसरा एडवांटेज है वो ये कि है कि ओवरसीज टू ब्लॉक एक एलिवेटेड ब्लॉक है एडजस्टन टू गोल्फ कर्स है एडजस्टन टू 400 फीट रोड है और एडजस्टन एडजस्टन टू मोटरवे है यानी एक साइड पे देखें आप तो लेफ्ट साइड पे आपकी मोटरवे है राइट right साइड के आपके 400 फीट रोड है बैक साइड पे आप कह लें तकरीबन पार्शली गोल्फ कोर्स है तो इससे ज़्यादा अच्छी और प्रोमिनेंट लोकेशन नहीं हो सकती ये सब लोगों को एक प्रो नज़र आता है अब इसी प्रो में देखें आगे जाके तो कौन भी है अब कौन इसमें ये है कि अगर आप सर्टन टाइम के लिए बाय कर रहे हैं दो साल तीन साल चार साल टिल द टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी में हाई राइज बिल्डिंग मोटरवे से एडजस्टेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर वाली साइड पे और चार सौ फुट रोड पे जो ऊपर कमर्शियल आएंगे मेन बुलेवर्ड पे उन कमर्शल के बनने से पहले पहले तक आपका प्लान है कि इसको डाइल्यूट कर देना है इसको बेच देना है तो फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है सबसे ज्यादा अच्छी है क्यों क्योंकि लोकेशन की प्रेफरेंस जो है वो रीसेल में प्लॉट जब बेचते हैं आप जब तक हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनी होती तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली बिकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट बिकते हैं उसकी एग्जाम्पल आपको मैं गुलबा की दूंगा मैं हमेशा बिल्डिंग में गुलबा की एग्जाम्पल कोड करता हूँ क्योंकि मेरा ज़रा पास गुलबक है तो गुलबाग में जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं इस वक्त उनकी तकरीबन चार किनाल के प्लॉट गुलबक ग्रीज में उसकी वर्थ है अराउंड सेवन करोड़ रुपीज़ तो वही प्लाट फाइव लाख का भी था कभी सिर्फ क्या हुआ एडवांटेज का जब रेडी बनने के बाद उसकी जब मार्केट में सेलिंग शुरू हुई तो उसको एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा मिल गया क्योंकि लोकेशन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री है तो आप इजिली सोच सकते हैं कि जीरो पॉइंट से आप सिर्फ पांच दस मिनट में, में पहुंच सकते हैं गुलबक के अंदर और वो भी गुलबक की बुलवर्ड है टू ट्वेंटी फीट और इस्लामाबाद हाईवे की जो है एक्सेस वो है तीन सौ फुट अब इमेजिन करें कि एक रोड हो तीन सौ साठ फुट मोटरवे एम टू और एक रोड हो चार सौ फुट मेन बोलेवर्ड कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके दरिया में जो प्लॉट होंगे अगर गुलबा के 85 लाख से 7 करोड पर जा सकते हैं 10 साल के टाइम पीरियड में तो इसके प्लॉट जो यहाँ पे प्लॉट होंगे उनकी लोकेशन की वैल्यू क्या बनेगी अगले चार पाँच साल में जब वो इंटरचेंज बन जाएगा और जब 400 फुट रोड बन जाएगा ये मैं बात करूँ सिर्फ बनने तक की अब इंटरचेंज बनने के बाद और चार फ़ुट रोड बनने के बाद क्या होगा उसके बाद जब मेन बोलेवेड पर मेगा कमर्शल्स आएंगे ग्राउंड प्लस ट्वेंटी ग्राउंड प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी वट एवर के इसमें भी तो उन कमर्शल्स के बाद फिर ओवरसीज़ टू में रीसेल बिल्कुल रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी उसकी वजह क्या है रेजिडेंशियल प्लॉट में सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है किसी भी इंडिविजुअल का उसकी प्राइवेसी लट से कि मेरा प्लॉट है कनाल का और एक कनाल का प्लॉट मोटरवे से बिल्कुल पास है अब मोटरवे के साथ जो वर्टिकल विलास के प्लॉट हैं बीस बीस कनाल के प्लॉट हैं जहाँ पे वर्टिकल विलास बनने हैं जब वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स आ जाएंगे तो एक बंदा सेवनटीन एटीथ ट्वेंटियथ थर्टियथ किसी फ्लोर पर बैठ के मेरे घर में मेरे बेडरूम में डायरेक्टली देख सकता है तो मेरे उस प्लाट की उस घर की बर्थ ज़ीरो क्यों क्योंकि मेरे घर में प्राइवेसी नहीं है प्राइवेसी नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी वेल्थ ज़ीरो हो जाती है अब इस चीज़ को देखा जाए तो डेफिनेटली ओवरसीज़ टू ब्लॉक को रेजिडेंशियल प्लॉट्स को आगे जाके एक मसला आएगा पेश फिर एग्जाम्पल गुलबाग की है में जो मेन बुलेवर्ड के ऊपर प्लॉट हैं दस दस किनल के वो साढ़े आठ से नौ करोड़ डिमांड में भी नहीं बिकते और जो मेन बुलेवर्ड से पीछे हैं जहाँ हाई राइज नहीं है दस किनाल का प्लॉट वहीं पे जाके तकरीबन तेरह तेरह करोड़ का भी सेल आउट होता है रीज़न सेम प्राइवेसी इश्यूज प्राइवेसी इश्यूज हम के मैं अगर तेरह करोड़ का प्लॉट ले रहा हूँ उसके अंदर अगर दस करोड़ का घर बना रहा हूँ तेईस करोड़ का घर बना रहा हूँ तो मेरे घर में डेफिनेटली प्राइवेसी मैं डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने ट्वेंटी थ्री करोड़ टू थर्टी मिलियन रुपीज़ लगाए हैं अगर मैं स्मार्ट सिटी में इस तरह प्लॉट लेता हूँ कनाल का एडसेप्ट सिक्सटी टू लाख का प्लॉट था ओवरसीज टू का जो क्लोज हुआ है और ओवरसीज टू के प्लॉट के बाद यानी सिक्सटी टू के बाद डेवलपमेंट चार्जेज एड करें तो अराउंड एट्टी एट टू बन जाता है अगर अस्सी लाख का प्लॉट है कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लगा के तकरीबन ढाई करोड़ बन जाता है तो लेट से ढाई करोड़ टू टू मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है 25 मिलियन तो 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ीरो हो जाएगी जब एक हाई राइज अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग मेरे प्लॉट से बिल्कुल एडजस्टेंट बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका मेरे प्लॉट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसको बिकना उसका इम्पॉसिबल हो जाता है चंद प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है और चंद प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी लोकेशन बहुत बुरी होती है अच्छी लोकेशन प्लॉट्स की ये होती है कि आपका प्लॉट लेट से कॉर्नर है कॉर्नर का मतलब ये है कि आपका प्लॉट टू साइड ओपन है फ्रंट से ओपन है और एक लेफ्ट साइड से या राइट right साइड से ओपन है वो प्लॉट बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है घर में लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप घर के सामने पार्क है तो आपके प्लॉट की लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि प्लॉट जो है पार्क फेसिंग है तो घर के सामने डेफिनेटली एक आपको घर के सामने प्लॉट घर नहीं मिल रहा पार्क मिल रहा है तो एडवांटेज बनता है कि घर के सामने अच्छी वेंटिलेशन और अच्छी लुक आती है घर की नंबर थ्री अगर आपका प्लॉट है टू साइड ओपन फ्रंट और बैक ओपन फिर वही एडवांटेज सेम कॉर्नर वाला कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी है और नंबर फोर होता है कि आपका मेन बुलेवर्ड कुछ लोग मेन बुलेवर्ड प्रेफर करते हैं कुछ लोग नहीं करते डिपेंडिंग ऑन द चॉइस तो ये चीज़ सेपरेट हो जाती है बुरी लोकेशन में आती है सबसे बड़ी चीज़ कि आपके प्लॉट के सामने कमर्शियल हो जाए हाई राइज हो जाए कुछ भी हो जाए जिसमें वहाँ पे एक एक रश आता हो तो वो चीज़ जो होती है प्लॉट के लिए कौन होती है बहुत बुरी चीज़ होती है वो प्लॉट सेल में नहीं आता नहीं बिकता कौन क्या होता है सबसे पहला कि कमर्शियल हाई राइज़ बिल्डिंग जो है वो मेरे प्लॉट के मैं फेसिंग मेरा घर जो है फेसिंग कमर्शियल है मेरे प्लॉट की वैल्यू जीरो है मेरा घर फेसिंग मस्जिद है मस्जिद एक बहुत अच्छी चीज़ है अलग घर है लेकिन उसके सामने आपका प्लॉट हो तो प्लॉट आपका रीसेल में नहीं बिकता आपका घर आपका प्लॉट जो है फेसिंग स्कूल है तो आपका प्लॉट नहीं बिकेगा रीसेल में क्योंकि कोई बंदा प्रेफर नहीं करता घर के सामने उसे हर वक्त एक राजा बाजार वाले ट्रैफिक मिले नंबर थ्री अगर आपका प्लॉट है जैसे मस्जिद हो गया कमर्शियल फेसिंग मस्जिद फेसिंग कमर्शियल फेसिंग और इसके अलावा जो स्कूल फेसिंग ये वाले जो प्लॉट होते हैं इन प्लॉट के कौन है ये प्लॉट रीसेल में नहीं बिकते तो ओवरसीज़ टू में जो कौन है रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए वो ये है कि उन प्लॉट की सेल परचेज़ डेफिनेटली मार्केट में कल को मुतासर होगी जब हाई राइज बिल्डिंग सामने होंगी या पास होंगी तो लोग प्राइवेसी इशू को लेके प्लॉट की रीसेल में उसकी इतनी प्रेफरेंस नहीं देते ये मैं बात करूँ ओवरसीज़ टू बहुत अच्छा है टिल द टाइम वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनती और उतना ही बुरा है जब हाई राइज बिल्डिंग बन जाती हैं इसलिए मैं रिलेट करता हूँ अक्सर प्राइम को प्राइम को बेटर कहता हूँ क्योंकि प्राइम गोल्फ कोर्स से एडजस्टेंट है तो गोल्फ कोर्स में कोई हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है एडजस्टेंट हो सकती है लेकिन अंदर नहीं है तो ये एडजस्टेंट ब्लॉक है तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अब आते हैं जी ओवरसीज़ टू में कमर्शियल प्लॉट के प्रोज की तरफ कमर्शियल प्लॉट का प्रो हमेशा से था है और रहेगा सबसे ज्यादा फेवरेट प्लॉट जो पूरे स्मार्ट सिटी में रहेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसीज टू के रहेंगे उसकी रीजन ये है कि सबसे ज्यादा एक्सेसिबल ब्लॉक जो होगा मेन एम टू मोटरवे से फिर फोर हंड्रेड फीट रोड से वो होगा ओवरसीज टू ब्लॉक तो वहां पे चार मरला कमर्शल हों वहां पे छः मरला कमर्शल हों वहां पे आठ मरला कमर्शल हों उनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी उसकी मैं आपको वजह बता दी कि वहां पर जैसे कमर्शल में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि मेरे प्लाट पर फुटफॉल कितना है जैसे एक चार मरला प्लाट है कमर्शल का और वो एक ब्लॉक में जिसमें जैसे बड़ा ब्लॉक है कनाल का ब्लॉक कनाल के ब्लॉक में टोटल प्लॉट है ढाई सौ एवरेज हर घर में आबादी बनती है पाँच लोगों की तो पांच इंटू ढाई सौ तो एवरेज आपके तकरीबन बारह सौ पचास तो अगर आप देखें वही चार मल्ला प्लॉट आपका पांच मल्ला के ब्लॉक में निकला है तो वहां बाद घर होगा तकरीबन पंद्रह सौ प्लॉट या बारह सौ प्लॉट से पंद्रह सौ कंसिडर करते हैं पंद्रह सौ प्लाट पर घर आप लगा लें पाँच लोग तो आपके आबादी बनती है सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो आपकी सेवेंटी फाइव हंड्रेड का फुटफॉल एक तरफ और आपके बारह सौ पचास का फुटफॉल एक तरफ फुटफॉल से मुलाके कितने लोग चल के आ सकते हैं तो अब जिस जगह पे सात हजार लोग दिन में चल के आ सकते हैं तो उस जगह पे रेंटल वैल्यू ज्यादा होगी उस जगह पे हर एक चीज की वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरिजन टू ब्लॉक जहाँ पे एक टोटल आबादी सिर्फ बारह सौ पचास लोगों की तो बारह सौ पचास में कितने लोग आपकी दुकानों पे आएंगे उनके लिए भी कमर्शियल प्लॉट्स उतने ही होंगे लेकिन उतने ज़्यादा उनकी रेंटल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वह डेफिनेटली वहाँ पर रेंट मिलने का प्रेफर नहीं करता जब दुकान चल नहीं सकती तो ये फायदा होगा ओवरसीज़ टू में जो भी कमर्शल्स होंगे उनका एडवांटेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और वो एडवांटेज लॉन्ग टर्म होगा उसमें ये नहीं होगा कि कभी कम हो जाए वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा उसमें नीचे आने के चांसेस नहीं है ये थी ओवरसीज टू के प्रोज एंड कॉन्स की बात अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और ब्लॉग के आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दें किसी और ब्लॉग के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उसकी प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से डिटेल वीडियो बना दूंगा रिजवान जी मक दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए ख़ुदा हाफिज़